दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार से बड़ी मांग, बोले आंदोलन वाले स्थलों पर सभी किसानों को लगे कोरोना का टीका। वहीं किसान आंदोलन छोड़कर गए लोगों से वापस आने का किया गया आह्वान। नरेश टिकैत बोले आंदोलन ही किसानों का असली हथियार। वहीं विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भाजपा को कड़ी चेतावनी, बोली बंगाल जीतने के बाद दिल्ली की ओर करेंगे कूच। वहीं पीएम मोदी का बड़ा हमला, बोले दीदी बोले खेला होबे और भाजपा बोले विकास होबे। वहीं पश्चिम चुनाव में खतरे में है नेताओं की जान, 13 लोगों को मिली सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा। वहीं ममता बनर्जी बोली चुनाव के दौरान अगर बीजेपी पैसे देती है तो उसके पीछे मत भागिए। वहीं बीजेपी में शामिल हुए रामायण के राम अरुण गोविल बोले पीएम मोदी से प्रभावित होकर लिया फैसला। वहीं पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले पश्चिम बंगाल में ममता राज के दिन अब गिनती के रह गए हैं। वहीं बीजेपी ने जारी की 148 उम्मीदवारों की लिस्ट, मुकुल राय और उनके बेटे को भी मिला टिकट। वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा पर तगड़ा हमला, घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल ले गए धर्मेंद्र प्रधान, टीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। वहीं शिवपाल ने भाजपा पर बोला हमला, कहा अच्छे दिन रामराज्य और विकास के दावे पूरे खोखले। वहीं असम में भाजपा ने 15 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, प्राथमिक सदस्यता भी कर दी रद्द। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से की बड़ी मांग, बोले आंदोलन वाले स्थलों पर सभी किसानों को लगे कोरोना का टीका। आपको बता दें कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि किसानों पर भी कोरोना का खतरा बरकरार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मांग की है कि आंदोलन स्थल पर किसानों का टीकाकरण किया जाए। आंदोलन स्थल पर कोरोना के खतरे के सवाल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने INS को बताया कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। आंदोलन स्थलों पर जो लोग बैठे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। आंदोलन स्थलों पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। धरना स्थल पर आने जाने वाले किसानों को वैक्सीन लगाई जाए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार यहां पर बैठे हुए सभी लोगों को वैक्सीन लगवाती है तो मैं भी कोरोना का टीका लगवाऊंगा। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को छोड़कर गए सभी लोगों से वापस लौटकर आने का किया गया आह्वान। नरेश टिकैत बोले आंदोलन ही किसानों का असली हथियार। यहां आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन छोड़कर जाने वाले सभी सहयोगियों से वापस लौटकर आने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों का सबसे बड़ा हथियार आंदोलन है। देश भर के किसान एकजुट होकर आंदोलन में भागीदारी करें। जो लोग आंदोलन को छोड़कर चले गए हैं वो लौटकर वापस आए, नहीं तो उन्हें लड़ाई न लड़ने का मलाल होगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि जो लोग बुरे वक्त में आंदोलन का साथ छोड़कर गए हैं वे भी आंदोलन में पुनः शामिल हो जाएं, एकता में शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकारें आंदोलन को तोड़ने के लिए फूट डालने का काम करती हैं। आंदोलन से जाने वाले भी अपने हैं, उन्हें इन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई न लड़ने का मलाल रहेगा। इसलिए जो भी लोग आंदोलन को छोड़कर गए हैं वो तुरंत आंदोलन में शामिल हो जाएं। नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों का असली हथियार आंदोलन है। सरकार आंदोलन कमजोर करने के कौन कौन से अपनाती है ये सब जानते हैं। एकता से ही आंदोलन किसी मुकाम पर पहुंचेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि कई बार राजनीतिक दल सत्ता के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार को पूरा सहयोग दिया लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन को लेकर आए बयान पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने जैसी हिम्मत दिखाई है वो सबके बस की बात नहीं है। सब किसानों का अच्छा बुरा समझते हैं, बस बोलते हुए डरते हैं। यदि सभी सत्यपाल मलिक की तरह हिम्मत दिखाते हैं तो ये कानून जरूर रद्द हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान कानून रद्द हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की भाजपा को कड़ी चेतावनी, बोली बंगाल जीतने के बाद दिल्ली की ओर करेंगे कूच। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवर्तन उनका नारा था जिसे विपक्षी पार्टी ने कॉपी कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगी। खड़गपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि आप ममता बनर्जी की क्यों कर रहे हैं, बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। एक अन्य रैली में ममता दीदी ने चक्रवात तूफान के बाद लोगों की मदद करने को लेकर भी भाजपा नेताओं पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रभावितों की हर संभव मदद की है और हो सकता है कि एक दो लाभार्थी छूट गए हों लेकिन भाजपा के नेताओं को संकट के उस समय में कहीं भी नहीं देखा गया। पश्चिम मेदिनीपुर में एक रैली को गढ़वेता में संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दावा किया है कि
भाजपा नेता चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने और वोट हासिल करने के लिए बाहर से नकदी कैश के साथ हेलीकॉप्टर और विमानों से यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने चक्रवात प्रभावितों के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद की है। एक या दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। तब भाजपा के नेता कहां थे? मानवीय संकट के समय वो हमेशा ही गायब रहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गणना करने वालों की यात्रा के दौरान घर पर नहीं पाए जाने पर भाजपा मतदाताओं के नामों को हटा देगी। वे लोगों को निकाल देंगे, लेकिन हम उन्हें यहां रजिस्टर का अद्यतन नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के एक भी सदस्य, देश के किसी भी नागरिक को बंगाल से निकाला नहीं जा सकता। भाजपा को दंगाइयों की पार्टी बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं और हम बंगाल में प्रतिशोध की राजनीति नहीं चाहते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी बंगाल में TMC की सरकार बनेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार भी TMC की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी पर बोला तगड़ा हमला। कहा दीदी बोले खेला होबे और भाजपा बोले विकास होबे। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली बोलकर की और लोगों से बांग्ला कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने पुरुलिया में पानी के संकट को उठाकर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को जमकर घेरा। साथ ही माकपा सरकार पर भी तगड़ा निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पुरुलिया का भगवान राम और माता सीता से बहुत पुराना नाता है। आज पुरुलिया में पानी का संघर्ष सबसे बड़ी समस्या है। पानी ना होने के कारण यहां खेती पशुपालन में काफी दिक्कत आती है, वहीं पीने के पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। पुरुलिया के लोगों को अपने हाल पर छोड़कर TMC सिर्फ अपने खेल में लगी रही है। TMC ने पुरुलिया के लोगों को भेदभाव भरा शासन दिया है और सबसे पिछड़ा क्षेत्र बना दिया। पुरुलिया के लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही। ममता दीदी को काम का हिसाब देना चाहिए। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पुरुलिया की समस्या को सबसे पहले दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुरुलिया क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना जरूरी है। बंगाल के हर हिस्से को रेल नेटवर्क से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो बंगाल में रेलवे के बाकी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू होगा। पुरुलिया और आसपास के इलाके में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएंगी ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े। PM मोदी ने बताया कि बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। PM मोदी ने कहा कि तुष्टिकरण के नाम पर बंगाल के युवाओं का हक छीना जा रहा है। OBC समुदाय से आने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की नई नस्ल पैदा कर दी है, जिससे यहां के बच्चों और महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में अब TMC सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं। ये बात दीदी को पता है। ऐसे में ममता दीदी कह रही हैं कि खेला होबे। PM मोदी ने कहा कि अगर सेवा का लक्ष्य हो तो खेला नहीं खेला जाता। PM मोदी ने कहा कि दीदी अब खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने BJP पर बोला तगड़ा हमला। बोली चुनाव के दौरान अगर BJP पैसे देती है तो उसके पीछे मत भागिए। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन के बीच BJP और TMC में जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी ने BJP पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान BJP नेता नकदी से भरा बैग लेकर आते हैं और मतदाताओं को पैसा देते हैं, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तब वे कहीं नजर नहीं आते। ममता बनर्जी ने खड़गपुर की रैली में कहा कि चुनाव के दौरान BJP अगर पैसे बांटती है तो पैसे के पीछे नहीं भागें, याद रहे कि ये पब्लिक मनी है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन ममता बनर्जी का नारा है, आप ममता बनर्जी का नारा क्यों कॉपी करते हैं? बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली आएंगे और BJP को हिलाकर रख देंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, BJP में शामिल हुए रामायण के राम अरुण गोविल बोले PM मोदी से प्रभावित होकर लिया फैसला। जी आपको बता दें कि रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल गुरुवार शाम BJP में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली स्थित BJP कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान अरुण गोविल ने कहा कि हर काम का एक समय निर्धारित होता है। मुझे आज से पहले राजनीति समझ नहीं आती थी, पहले इसकी परिभाषा कुछ और होती थी, लेकिन जब से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है तब से परिभाषा बदल गई है। अब मैं देश के लिए योगदान देना चाहता हूँ, इसके लिए हमें एक मंच की जरूरत होती है और बीजेपी आज इसके लिए सबसे अच्छा मंच है। अभिनेता अरुण गोविल ने इस दौरान टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर भी तगड़ा निशाना साधा और कहा कि मैंने देखा है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से बहुत एलर्जी हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि जय श्री राम सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उद्घोष है और हमारा जीवन संस्कार है, इसलिए किसी को भी जय श्री राम के नारे से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी पर बोला तगड़ा हमला। बोले पश्चिम बंगाल में ममता राज के दिन अब गिनती के रह गए हैं। ये आपको बता दें कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सरकार पर भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण, माफिया राज और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की निर्मम सरकार के दिन अब मात्र गिनती के रह गए हैं। राज्य के आदिवासी जंगल महल इलाके में यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के खेला होबे वाले बयान का भी उल्लेख किया और कहा कि बीजेपी जहां विकास और सोनार बांग्ला की बात करती है तो वहीं दीदी जनता की सेवा की प्रतिबद्धता को नजरअंदाज कर खेला होबे करती रहती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी के मंदिरों में जाने का भी उल्लेख किया और कहा कि ये उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि चुनाव हारने का डर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अब मात्र गिनती के दिन रह गए हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की 148 उम्मीदवारों की लिस्ट, मुकुल राय और उनके बेटे को भी मिला टिकट। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल राय का नाम भी शामिल है। पार्टी ने मुकुल राय को कृष्णानगर उत्तर से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय, राहुल सिन्हा और सांसद जगन्नाथ सरकार को भी टिकट दिया है। पार्टी ने अभिनेत्री पार्नो मैत्र को भी उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु को बीजपुर से उम्मीदवार बनाया गया है जबकि राहुल सिन्हा हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चौथे, पांचवे, छठे, सातवें और आठवें चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। चौथे चरण के मतदान के लिए सरबंती चटर्जी को बेला पश्चिम और वैशाली डालमिया को बल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा पर तगड़ा हमला, घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल ले गए धर्मेंद्र प्रधान, टीएमसी पर लगाया आरोप। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हॉट सीट कहे जा रहे नंदीग्राम की राजनीतिक लड़ाई अब हिंसा में तब्दील हो गई। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की रैली पर हमला हुआ। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे सामने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया जिसमें वो बुरे तरीके से घायल हो गया। ये घटना नंदीग्राम विधानसभा सीट के सोनाचूरा इलाके में हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इस हमले में युवा मोर्चे का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को खुद धर्मेंद्र प्रधान अस्पताल लेकर गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्कर को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी टीएमसी के गुंडे तैनात थे और लोगों को डरा रहे थे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ममता दीदी को लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। आज शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा शुरू होने के बाद हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पर हमला हुआ। हमारी चुनाव आयोग से अपील है कि यहां सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और पूरी आजादी के साथ चुनाव प्रचार कर सकता है, लेकिन इस तरीके की हिंसा पूरे तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि इसको देखते हुए अब 13 नेताओं को सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा मिली है। अगली बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर बोला तगड़ा हमला। बोले अच्छे दिन, रामराज्य और विकास के दावे पूरे तरीके से खोखले। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छे दिन, रामराज्य और विकास के बड़े बड़े दावे किए थे, ये सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। शिवपाल यादव ने केंद्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की विफलता से देश व प्रदेश में महंगाई चरम पर है, जनता तबाह है। कोरोना संक्रमण को रोकने में भी सरकार विफल रही, उसकी गलत नीतियों से लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए और लोगों की नौकरियां छिन गईं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संत हैं लेकिन उनकी भाषा संत जैसी नहीं है। वो बोलते हैं ठोक दो, अपराधियों के घर गिरा रहे हैं, अपराधियों के परिजनों को इसकी सजा मिल रही है, अपराधियों के परिजनों का इसमें क्या दोष है। शिवपाल ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि
सरकार की कार्यप्रणाली से सत्ताधारी दल के विधायक भी असंतुष्ट हैं। वो धरने पर भी बैठे हैं। आगामी चुनाव में इसका असर दिखेगा और भाजपा हारेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की आंतरिक कलह का असर पड़ेगा। वहां पर भी ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने 15 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, प्राथमिक सदस्यता भी कर दी रद्द। ये आपको बता दें कि असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 15 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जानकारी के अनुसार इन सभी नेताओं की प्राथमिक सदस्यता 6 वर्षों के लिए पूरे तरीके से रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने 15 गद्दाबर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका। टीएमसी ने की नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की मांग। ये आपको बता दें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा की चुनौती माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम से नामांकन रद्द करने की मांग की है। सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी का नाम हल्दिया विधानसभा की मतदाता सूची में भी शामिल है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि अधिकारी का नाम नंदीग्राम और हल्दिया दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं है। इस धारा में साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने आवास के बारे में फर्जी जानकारी मुहैया कर अपने नाम का स्थानांतरण हल्दिया विधानसभा क्षेत्र से नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए एक अर्जी दी है। यदि ऐसा हुआ और चुनाव आयोग ने एक्शन लिया तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द हो सकता है। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। बोले, नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार के साथ हैं गहरे रिश्ते, उम्मीद है जल्दी वो हमारी टीम का हिस्सा होंगे। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को हम अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार के साथ मेरे गहरे रिश्ते हैं, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही हमारी टीम का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृषि कानून रद्द हो जाए और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।